स्टूडेंट, आपका MBA फोर्स सैम लॉ एंड लीगल एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस यूनिट फोर्थ में आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका एक नया एक्ट जिसको हम CPA कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बोलते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन से आपको ये क्लियर हो रहा है कि इस एक्ट के अंदर हम क्या बात करेंगे। हम ग्राहक जो कस्टमर हैं उनके इंटरेस्ट की हम बात करेंगे। जागो ग्राहक जागो जो आपने नारा सुना होगा वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बाद ही बोला जाने लगा है। पहले जैसे हम देखें कि जो मार्केट था वो आपका सेलर ओरिएंटेड था, सेलर जो थे कम थे, परचेजर ज़्यादा थे। लेकिन टाइम के साथ साथ क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ा और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो है आपका वो ऐसी स्थिति सामने आने लग गई और वहाँ पे हम देखें कंज्यूमर इज किंग होने लग गया है। यहाँ पे हम देखें कंज्यूमर किंग हो गया है तो कंज्यूमर्स इतने सारे सेलर में से कौन से सेलर से वो चीज़ें परचेज़ करता है ये उसकी अवेयरनेस पे डिपेंड करता है। क्योंकि आजकल मार्केट में आप देखें तो डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बहुत सारे मिलते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं जो कंज्यूमर्स बाय तो कर लेता है लेकिन उसकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं रहते क्योंकि डुप्लीकेसी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसलिए कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए, उसके इंटरेस्ट को सेव करने के लिए एक जो एक्ट बनाया गया उसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बोलते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो कंज्यूमर है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और कोई भी कंज्यूमर जो है वो किसी गुड्स को या सर्विस को एक्सचेंज करता है तो मनी मीडियम के थ्रू करता है। तो यहाँ पे कंज्यूमर्स के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कंज्यूमर के डिस्प्यूट हो सकते हैं। तो वो जो कंज्यूमर्स के डिस्प्यूट हैं, सेलर के जो डिस्प्यूट कंज्यूमर के साथ हैं उनको हम यहाँ पे समझेंगे कि उसके लिए एक्ट के अंदर क्या प्रोविज़न है, उन चीज़ों को हम यहाँ पे समझेंगे। तो जो CPA कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है ये आपका 24 दिसंबर 1986 को आया था और इस एक्ट के अंदर कंज्यूमर्स के राइट्स की बात की गई थी कि कंज्यूमर जब किसी चीज़ को, प्रोडक्ट को परचेस कर रहा है तो उससे पहले उसको कुछ राइट्स हैं, उसके बाद उसको कुछ राइट्स हैं। तो वो राइट्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लाने का ऑब्जेक्ट क्या था, जैसा कि आपको पता है कि हमारे इंडिया के अंदर कोर्ट की जब बात करते हैं तो कोर्ट में इतने सारे सिविल केसेस पेंडिंग हैं। सिविल कोर्ट में यदि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के केसेस को भेज दिया जाए तो कंज्यूमर फिर कंज्यूमर ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए उसको कंज्यूमर नहीं करना है, उसको बचाना है। उसको बचाने के लिए ही एक अलग एक्ट बनाया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है इट ऑल्सो प्रोवाइड सर्टेन प्रोविज़न रिगार्डिंग द नीड्स फॉर्मेशन ऑफ वेरियस कंज्यूमर रिट्रीजल सेंटर। यहाँ पे हम बहुत सारे कंज्यूमर रिट्रीजल सेंटर की हम बात करेंगे। रिट्रीजल का मतलब है स्पीडली हम प्रॉब्लम को सोल्व करें, तो उसके लिए हमने सेंटर लेवल पर, स्टेट लेवल पर हमें इन चीज़ों को समझना है। तो यहाँ पे हम देखें इट एम्स टू एस्टेब्लिश, सबसे पहले हम बात करेंगे NCC नेशनल कंज्यूमर कमीशन, जो रिप्लेस करेगा, सिंप्लीफाइड करेगा मैनर्स को, जो चीज़ें पहले मार्केट के अंदर थी। जैसे हम देखें एग्जिस्टिंग प्रोविज़न 5 एक्ट की यदि हम देखें तो फर्स्ट है आपका कंज्यूमर अफेयर अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस एक्ट 1988, सेकंड है आपका ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1976, थर्ड है आपका सेल्स एंड सर्विस मैटर एक्ट 1964 और फिफ्थ है आपका प्राइस कंट्रोल एक्ट 1964 एंड आपका मर्केंडाइज एक्ट 1941। तो यहाँ पे हम देखें इस एक्ट के आने के बाद काफ़ी चीज़ें आसान हुई हैं, फेयर हुई हैं, एक्सेसिबल हुई हैं, सर्टेन मार्केट प्लेस हुए हैं। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए बात कर रहे हैं, कंज्यूमर्स के प्रोडक्ट सर्विसेज की बात कर रहे हैं, कंज्यूमर फेयर प्राइस पर चीज़ों को परचेज कर रहे हैं, एक्सेसिबल है, तो उन सब चीज़ों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हमने देखा है कि एक नेशनल एक स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट करना कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, प्रोविज़न बनाना, इम्प्रूव करना कंज्यूमर स्टैंडर्ड ऑफ कंज्यूमर इंफॉर्मेशन को और प्रोहिबिट करना अनफेयर मार्केटिंग जो है बिजनेस प्रैक्टिसेस है उनको रोकना और प्रमोट करना एक कंसिस्टेंस लेजिस्लेटिव एनफोर्समेंट फ्रेमवर्क जो कंज्यूमर ट्रांजेक्शन एंड एग्रीमेंट की बात करता है। इस एक्ट के अंदर हम देखें तो जब हम एस्टेब्लिशमेंट की हम बात करेंगे चैप्टर 3 ऑफ दिस एक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो हम वहाँ पे देखेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिट्रीजल एजेंसी की बात की गई है सेक्शन 9 ऑफ दिस एक्ट के अंदर। हम एस्टेब्लिशमेंट करेंगे कंज्यूमर डिस्प्यूट रिट्रीजल एजेंसी की हम बात करें, मशीनरी की हम बात करें, फोरम्स की हम बात करें, उसके अंदर हम जैसे हम देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है, डिस्ट्रिक्ट फोरम होती क्या है, उसका एस्टेब्लिशमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट है इसको एस्टेब्लिश करती है। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम हम पढ़ेंगे, हम स्टेट कमीशन पढ़ेंगे कि स्टेट कमीशन जो है स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करती है हर स्टेट के अंदर और नेशनल कमीशन जो रहता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एस्टेब्लिश करती है। अब हम देखेंगे कि जो आपका सेंटर है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, इनको हम चेयरमैन इनका कौन हो सकता है, मीटिंग्स कितनी होंगी, इनके मेंबर्स मिनिमम कितने होने चाहिए, तो हम इनको वन बाय वन समझते हैं। पहले हम वन बाय वन
पहले हम सेंटर को समझेंगे, उसके अंदर हम सेंटर का चेयरमैन की हम बात करेंगे, फिर हम सेंटर की मीटिंग की हम बात करेंगे, फिर सेंटर के मेंबर्स की बात करेंगे। ऐसे हम स्टेट को समझेंगे, स्टेट के अंदर चेयरमैन कौन होगा, मीटिंग्स कितनी होंगी, मेंबर्स कौन होंगे। फिर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन कौन होगा, मीटिंग कितनी होंगी और आपके मेंबर्स कितने होंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम किससे, सेंट्रल से। जैसे कि आपको बताया कि सेंट्रल जो है, सेंट्रल के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ सेंटर है वो चेयरमैन का अपॉइंटमेंट करती है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ सेंटर है वो मीटिंग्स जो एटलीस्ट वंस इन ईयर की बात करती है कि साल में कम से कम एक मीटिंग तो होनी चाहिए। और मेंबर्स की हम बात करें तो इस मीटिंग के अंदर जो नंबर ऑफ मेंबर हैं वो 150 होने चाहिए। ये हमने सेंटर के केस में देखा कि सेंटर अपॉइंट करती है, मीटिंग एटलीस्ट वन इन ईयर होती है, मैक्सिमम 150 मेंबर होते हैं। अब हम स्टेट के केस में देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट गवर्नमेंट जो है वो चेयरमैन को अपॉइंट करेगी। यहाँ पर मीटिंग एक नहीं दो होंगी, वहाँ पे वंस इन ईयर होती थी, यहाँ ट्वाइस इन ईयर होगी। और यहाँ पे जब हम बात करेंगे स्टेट के केस में तो नंबर जो सेंटर की तुलना में कम होगा, आपको पता है कि किसी कंट्री के अंदर नंबर ऑफ़ स्टेट 30, जैसे हम इंडिया की बात करें 30 प्लस नंबर ऑफ़ स्टेट हैं, तो यहाँ पे जो मेंबर भी रहेंगे वो क्या रहेंगे, आपके कम रहेंगे। वहाँ पे 150 थे, यहाँ 10 मेंबर ही रहेंगे, और मीटिंग यहाँ पे ट्वाइस साल में दो बार होगी। तो स्टेट के अंदर भी हमने इन चीज़ों को समझा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो चेयरमैन को अपॉइंट करती है, मीटिंग एटलीस्ट ट्वाइस इन ईयर होती है, और नंबर ऑफ मेंबर की यदि हम बात करें तो यहाँ 30 मेंबर होते हैं। अब हम आते हैं डिस्ट्रिक्ट की। जब डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है वो चेयरमैन होगा, और फिर हम बात करेंगे कि इसकी मीटिंग की, तो डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग जो होती है ट्वाइस इन ईयर होती है, और यहाँ पे मैक्सिमम नंबर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, प्रेस्क्राइब करती है कि नंबर ऑफ मेंबर कितना होगा। कभी कभी हमसे इन दोनों में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है कि ऑन द बेसिस ऑफ चेयरमैन, ऑन द बेसिस ऑफ मीटिंग, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर, आप इनमें आप डिफरेंस करें सेंटर में, स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में। तो आप देखें, चेयरमैन के बेस पर यदि हम समझें तो सेंटर के केस में चेयरमैन सेंटर गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, स्टेट के केस में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, और डिस्ट्रिक्ट के केस में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपॉइंट करते हैं। तो तीनों में चीज़ें अलग अलग रही। फिर हम देखें मीटिंग की, यदि हम बात करें तो सेंटर के केस में मीटिंग वंस इन ईयर होती है, स्टेट के केस में ट्वाइस इन ईयर होती है, और डिस्ट्रिक्ट के केस में भी ट्वाइस इन ईयर होती है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ समझ में आती है कि सेंटर के केस में सिंगल मीटिंग होती है, जबकि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के केस में ईयर में दो बार मीटिंग होती है, डबल मीटिंग होती है। फिर हम बात करेंगे नंबर ऑफ मेंबर की। नंबर ऑफ मेंबर की यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा मेंबर किस में होते हैं, सेंटर में होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे इंडिया की हम बात करें तो यहाँ पे 30 प्लस जो कंट्री हैं, और इस कंट्री के अंदर 30 प्लस जो स्टेट हैं, तो यहाँ पे आप ये देखिए नंबर ऑफ मेंबर भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। स्टेट के केस में नंबर ऑफ मेंबर 10 ही होंगे, ये हर स्टेट का इंडिविजुअली होगा। फिर डिस्ट्रिक्ट के केस में कितने मेंबर होंगे ये कौन डिसाइड करेगी, ये प्रेस्क्राइब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो हमने यहाँ पे ये समझा कि इस लेक्चर के अंदर की जो स्ट्रक्चर होती है, जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेजल की मशीनरी जो होती है, फोरम जो होती है, उसके अंदर हम डिस्ट्रिक्ट फोरम को हम समझते हैं, हम स्टेट कमीशन को समझते हैं, हम नेशनल कमीशन को समझते हैं। डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट फोरम का एस्टेब्लिशमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और जो स्टेट कमीशन का फॉर्मेशन स्टेट गवर्नमेंट करती है हर स्टेट के अंदर। अब इंडिविजुअल जिस स्टेट में जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट करेगी। नेशनल कमीशन की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, एस्टेब्लिशमेंट करती है। इससे पहले हमने ये समझा था कि कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट के लिए जो हमने जो पहले से चले आ रहे आपके 5 एक्ट थे उनके कुछ प्रोविज़न को हटा के हमने CPA एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को पढ़ा। और ये जो एक्ट है आपका, ये 14 दिसंबर 1986 में एप्लीकेबल है, तब से ही एप्लीकेबल है, और ये कंज्यूमर्स के राइट की बात करता है। कंज्यूमर के राइट्स को भी हम आगे आने वाले लेक्चर के इस पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे, वहाँ पे हम ये देखेंगे राइट ऑफ कंज्यूमर क्या हैं। जो राइट ऑफ कंज्यूमर की हम बात करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर कितने राइट्स हैं, इंडिया में कितने राइट्स कंज्यूमर को दिए हुए हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि कौन कौन से जो कंज्यूमर जो अपनी कंप्लेन है वो कंप्लेन की प्रोसीजर क्या है, कंप्लेन कैसे वो रखेगा, कंप्लेन कितने दिन के अंदर करनी चाहिए, कितना अमाउंट होने पर कहाँ पे जो है कंप्लेन करनी चाहिए। वहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि यदि कंज्यूमर अपील करना चाहता है, यदि उसको प्रीवियस लेवल से जो आपका डिसीजन आया है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है तो नेक्स्ट लेवल पर अपील कर सकता है, तो अपील के लिए कितना अमाउंट उसको डिपॉजिट कराना होगा, और कितने लिमिट्स तक वो है वो कहाँ पे अपील करेगा, उन सब चीज़ों को हम आने वाले लेक्चर के अंदर पढ़ते हैं। यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर हमने थोड़ा एक आइडिया लिया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है कंज्यूमर के
इंटरेस्ट के लिए लाया गया है, जिसके अंदर हमने कुछ चीज़ों को पढ़ा कि कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन एक्ट है वो कौन कौन सी जो सेक्शन है उनको रिप्लेस करेगा, और उसके अंदर नेशनल फोरम आपका स्टेट डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या है, और उसके अंदर हम देखें चेयरमैन मीटिंग और मेंबर्स को हमने पूरा किया।